तो इस वक्त आप देख सकते हैं लाइव पत्थरबाजी यहाँ पर, कैसे शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। जूम करके आप विजुअल्स देख सकते हैं, बिल्कुल वो देखिए, जूम करिए। सर सुनने में आया कि फायरिंग हुई है यहाँ पर, दो फायरिंग हुई है, इस कार के आगे शीशों में निशान आप देख सकते हो मौके पर। यही वो बस है जो इस वक्त मेवात से गुजर रही थी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार से बस के अंदर हमला किया गया था विजुअल्स के माध्यम से, कैसे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, आप देखिए एक बार यहाँ पर की शीशा, इस पर पत्थर निशाना लेकर मारा गया, खूब पत्थर ही पत्थर बरसा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पत्थर ही पत्थर बरसाए गए गाड़ी पे, देख लिया भाई अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। हम नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो मेवात, जिसको हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, वहां पर हम खड़े हुए हैं। यहां पर ब्रिज मंडल में जो यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव यहां पर किया गया है समुदाय विशेष के लोगों द्वारा, धार्मिक नारे लगाकर पथराव करने का आरोप है, बस तोड़ी गई है, गाड़ियाँ तोड़ी गई है, वो विजुअल्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, बस पर पत्थर फेंके गए और कई लोगों को यहाँ पर चोटिल कर दिया गया है। कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनके ऊपर यहाँ पर पथराव हुआ है, उनसे जानते हैं आखिर क्या ये पूरी सिचुएशन थी, आखिर क्या हो रहा था जिस वक्त यहाँ पर ये पथराव किया गया, जब लोगों पर पत्थर फेंके गए क्या स्थिति थी, वो पूरी की पूरी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप लोगों तक अब हम पहुँचाते हैं। सर सुनने में आया कि फायरिंग हुई है यहाँ पर, दो फायरिंग हुई है, इस कार के आगे शीशों में निशान आप देख सकते हो मौके पर, अभी ये देख लो आप आगे जाके, जो यहाँ पे यात्रा के लिए जो लोग आ रहे थे ब्रिज मंडल में, यहाँ पर फायरिंग जब आप लोगों पे की गई, क्या कोई नारे लगाए जा रहे थे धार्मिक नारों की? कोई नारे नहीं, आराम से गाड़ियाँ जा रही थी, इन्होंने फायरिंग की है मुसलमानों ने और हमला किया है गाड़ी को, शीशों का निशान आप देख लो, क्या देख लो, ये हुआ है, गोली चला दी, गोली मारी गई, गोली मारी गई, शासन क्या मूक दर्शक बनकर देख लो, आपके आगे ये देख लो, हाँ हमारे गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, भाई साहब गाड़ी पे दे पत्थर, खूब पत्थर ही पत्थर बरसा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पत्थर ही पत्थर बरसाए गए गाड़ी पे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, बिल्कुल पाकिस्तान के लग रहे हैं, भाईचारा को नोड़े तो नोकवा देनी, भाईचारा देख लिया, भाईचारा भाई कोई भाईचारा को नहीं, भाई जो आप भाईचारा भाई इनके हमारा के भाईचारा है, तोड़ के रख दीजिएगा, हमारी गाड़ी बिल्कुल शीशा एकदम चकनाचूर कर दिया, गाड़ी भरी पत्थर, बिल्कुल सामने मैं दिखाता हूँ, फायरिंग भी हुई, कुछ लोग कह रहे फायरिंग, फायरिंग नहीं, अल्लाह अकबर के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, गाड़ी चलिए आप, पत्थर के निशान आप ये देखिए, पत्थर गाड़ी के पत्थर के निशान लगे हुए, गाड़ी में पत्थर मारे हुए हैं, आप सामने देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान है या हिंदुस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हर एक जगह देश के किसी हिस्से में देख लो, जहाँ मुसलमान बहुलक है ज्यादा संख्या में है, हर एक जगह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। एक और गाड़ी यहाँ पर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पर ही पत्थर फेंके गए थे सर, पत्थर मार रहे थे, क्या हुआ था, कोई नारे लगाए जा रहे थे क्या उसमें? नहीं नहीं, हम तो चुप थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, आगे पत्थर मारे, बोल भी रहे थे, पत्थर मार, गाली गाली पकड़े थे, अरे ये तो इस वक्त आप देख सकते हैं लाइव पत्थरबाजी यहाँ पर, कैसे शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, यहाँ पर पत्थर मारे जा रहे हैं, सामने से जो यहाँ पर लोग ब्रिज मंडल की यात्रा के लिए आए हुए थे इनके ऊपर पत्थरबाजी अब यहाँ पर की जा रही है। लाइव फुटेज ग्राउंड जीरो से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर पत्थर दोनों तरफ से चल रहे हैं और पत्थरबाजी जो यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर घरों पर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, मस्जिदों पर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से टारगेट करके यहाँ पर जो हिंदू आए हुए थे उनके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, घरों के ऊपर से कर करके पत्थर फेंके गए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जूम करके आप ये विजुअल्स देख सकते हैं, बिल्कुल अब एक तरीके से हम गए कि अपनी जान, भैया 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 भैया, बिल्कुल वो देखिए, जूम करिए, ओ भैया भागो, कोई नहीं, भागो, शिट, भागो, हमारी गाड़ी जा रही थी, हमारी बस जा रही थी, बस के ऊपर पथराव हुआ और पथराव करते करते कम से कम 8-10 बंदे हैं, लोग मंदिर जा रहे थे, सब शिव मंदिर जा रहे थे, आपके ऊपर पथराव, मंदिर दर्शन करके आ चुके, दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, अब जिरकापुर मंदिर में जा रहे थे, जिरकापुर मंदिर में जाने से पहले उन्होंने पत्थरबाजी की है, अल्लाह अकबर के नारे लगा के माइनर बच्चे जो हाथों में, उन्होंने पहले इकट्ठा कर रखा था, हम हमारी तैयारी नहीं थी बिल्कुल भी कि हमें झगड़ा, वो अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, हम भाग कर दो तीन के लगी है, आप गाड़ी के शीशे अगर वीडियोग्राफी करेंगे देख सकते हैं, हम बड़ी मुश्किल से फिर जान बचा के भागे और सबको ये बोला है आप यहीं पर इकट्ठा हो जाओ क्योंकि आगे खतरा है, प्रशासन पूरा खड़ा हुआ है, पुलिस दल वहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद पत्थरबाजी वहाँ पर
चालू है। लगातार हम देख रहे हैं, दिल्ली में भी, नांगलोई में भी हमने देखा जिस प्रकार से पत्थर फेंके गए, अब हरियाणा में ये हो रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं आप लोग। देखिए हम प्रिपेयर थोड़ी हैं, हम कोई झगड़ा करने के लिए नहीं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ यहाँ मिलने के लिए आए हुए, भगवान के दर्शन करने के आए। पद्धति अलग है मुस्लिम समाज की, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो उनसे मिलने के लिए, पर ये कौन सा आदर सत्कार है कि कोई मंदिर के दर्शन कर रहा करके आ रहा है, आप हुआ अल्लाह कर रहे हो, अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हो और पत्थरबाजी कर रहे हो। पत्थर फेंके गए यहाँ पर, बस पत्थर फेंके, शीशे टूट रहे हैं। एक बार आप सब लोग आइए, हम आपको दिखाना चाहेंगे पूरे विजुअल्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यही वो बस है जो इस वक्त मेवात से गुजर रही थी, और बस के अंदर इस वक्त हम चलते हैं, जो स्थानीय लोग यहाँ पर बस में आ रहे थे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार से बस के अंदर हमला किया गया था विजुअल्स के माध्यम से, और शीशे टूटने का मंजर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कैसे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। आप देखिए एक बार यहाँ पर कि शीशा, इस पर पत्थर निशाना लेकर मारा गया, पत्थर यहाँ पर अंदर पड़े हुए हैं लोग। सर ये देखिए हाथ में लगी हुई है, सर ये कब से कब हुआ, ये अभी कुछ देर पहले जब आप वहाँ से आ रहे थे? वहाँ पर, हाँ जी वहाँ पर पथरा हुआ। क्या पता चला किसने फेंके पत्थर, कुछ पता चला? इधर बच्चे थे 10-12 मुस्लिम बच्चे थे और पुलिस आ गई थी। क्या कारण है, पत्थर क्यों फेंके गए, क्या कुछ कोई उकसाने वाला नारा कुछ बोला जा रहा था क्या बस के अंदर? ना कोई नारा नहीं था, शांति प्रिय जा रहे थे, बस में ही थे उस वक्त, बस में था हम, शांति प्रिय जा रहे थे, हमारी बस देख कर उन्होंने पत्थरबाजी करी, साथ में पुलिस खड़ी थी, पुलिस की भी नाकामी है ये। बस के अंदर पत्थर फेंके गए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर पूरे में कांच ही कांच, सीट पर देखिए यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे पूरी सीट पर कांच यहाँ पर बिखरा हुआ है, जिस प्रकार से बस के बाहर देखिए स्थानीय लोग अब यहाँ पर सुरक्षा के लिए खड़े हैं। नारे लगाते हुए उन्होंने हमारी बस पे पत्थरबाजी करी है जी, उन्होंने नारे लगाए, धार्मिक अल्लाह अकबर के नारे लगा लो जी आदियों ने, और बस पे पत्थरबाजी करी उन्होंने। आप सब लोग यहाँ मंदिर में जा रहे थे, हम फिरोजपुर जिरखा जा रहे थे शिव मंदिर पे, तब हमारी बस पे शांति प्रिय जा रहे थे, हमारी बस पे पत्थरबाजी करी थी उन्होंने, बिल्कुल टारगेट करके मारा गया जी, सीट पे यहाँ बैठा था, यहाँ पत्थर लगा था, आपके पत्थर लगा बिल्कुल जी, यहाँ कपड़ा बंद रखा था, नहीं तो यार ये पड़े देखो जी गाड़ी के अंदर, यहाँ जी हम तो चंद कदम पे पुलिस खड़ी थी सर, चंद कदम पे पुलिस थी, हमने किसी प्रकार का ना तो नारा लगाया, हम तो आराम से शांति से जा रहे थे बस, बिल्कुल एकदम से आगे से खड़े होकर पहले साइड में पत्थर मार के अपने माले जो साथ में बच्चे भी हैं, हमने अपना बचाव किया जी, हमने। बस के ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, भाई क्या नाम है? नरेंद्र नाम। आप यहाँ से जब आ रहे थे तो यहाँ पर पत्थर फेंके गए आपकी बस पर, क्या पूरा मंजर था सिलसिलेवार तरीके से बताइए जरा? वहाँ से अचानक से 5-7 बंदे आ गए, पत्थर फेंकने लग गए, अचानक से ही बस पे पत्थर फेंक, अच्छा ही अचानक ही आने, कुछ बोल भी रहे थे जब पत्थर फेंक रहे थे, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे और पत्थर फेंक रहे थे, 5-4 बंदे थे, 5-6 बंदे थे। अभी आप आगे आए कि अभी भी मन में कहीं ना कहीं डर है कि अपने ही देश में अब हिंदुओं पर ऐसे पत्थर फेंके जाएंगे मंदिर? अपने यहाँ पे मंदिर जाने पे हरियाणा ही हरियाणा में होते हुए कांड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां यहां पर, तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, और जिस प्रकार से ये घटना यहां पर हुई है पत्थर फेंकने की, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शर्मनाक ये घटना है।